प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने फूलों की काश्त, पौधघर और जंगल वानी में हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज छोटे बड़े बाग उगाना और जंगलात को दोबारा हरा भरा करना या नए जंगलात तैयार करने में हयाती टेक्नोलॉजी एक अहम रोल अदा कर रहा है। हयाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल जो आजकल पौधघर और जंगल वानी में हो रहे हैं, उनका हमें मुताला करना है। सबसे पहले नसीजी काश्त के जरिए हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आज बेहतरीन किस्म के फूल और फल वाले पौधे उगाए जा रहे हैं, जिनकी पैदावार भी ज़्यादा होती है। हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आज हम कम मुद्दत में मुकम्मल नमो याफ्ता पौधे भी उगा सकते हैं, जिनसे हमें पैदावार जल्दी हासिल हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके बीज आसानी से उग नहीं पाते और आम हालत में उन बीज से हमें पौधे हासिल नहीं होते हैं। ऐसे पौधों के बीज को हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दोबारा उनसे नबातात हासिल किए जा सकते हैं। हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बायोरिएक्टर की मदद से नबातात को कम खर्च में तग़ज़िया मुहैया किया जा रहा है, जिसकी मदद से नबातात की बेहतर नशोनुमा हो रही है। हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से कलील मुद्दत में मुकम्मल नमो याफ्ता पौधा हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ ऐसे नबातात को उगाने के लिए भी किया जा रहा है, जो अब शाज़ो नादर ही नज़र आते हैं। इन नबातात को बाकी रखने का काम हयाती टेक्नोलॉजी अंजाम दे रही है। हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम इस तरह की फसलें तैयार कर रहे हैं, जिन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड या जनीनियती इस्लाह शुदा फसलें कहते हैं। इन फसलों में मौसम को बर्दाश्त करने की और हशरात से लड़ने की ज़्यादा ताकत होती है। इसके अलावा इनसे हमें पैदावार भी कसीर मकदार में हासिल होती है।